देखा जा रहा है कि एक तरफ जो कुछ व्यापारी है, व्यापारियों के द्वारा अतिक्रमण किया जा रहा है तिनसुकिया का, जो सुंदरता है सुंदरता अपने स्वार्थ के लिए नष्ट किया जा रहा है, और दूसरी तरफ देखा जा रहा है कि प्रशासन जो है इस तरह का जो अतिक्रमण किया जा रहा है उसके खिलाफ अभियान लगातार चलाते जा रहा है। और हक सर है जो ADC है, मैं उनके पास आऊँगा। सर क्या कहेंगे, तिनसुकिया की जो सुंदरता है, इस तरह का जो फुटपाथ पर लोग जो दुकानें रख देते हैं, काफ़ी सुंदरता नष्ट होती है और साथ ही आम लोगों की समस्या भी सृष्टि होती है। आप लोग जरूर अभियान चलाते हैं लेकिन इस तरह का व्यापारी समझने का नाम नहीं लेते, क्या कहेंगे? नहीं, ये देखिए, हम लोग को एक सिस्टेमेटिक वे में जाना पड़ेगा उसके लिए। तो हम लोग का काफ़ी बैठक हो चुका है, हम लोग का जो अभी जिला उपायुक्त है उनका पूरा निगरानी में हम लोग काम कर रहे हैं अभी। तो उसमें हम लोग अभी क्या है कि जो फुटपाथ है, जो फुटपाथ में क्या है, उसका पीछे वाला जो दुकान है उस दुकान का सामान फुटपाथ में रख देता है। तो आज हम लोग उसको क्लियर कर रहे हैं, तो ताकि फुटपाथ आदमी का चलने लायक हो जाए। नंबर टू, उसका जो मरम्मती जो रिपेयरिंग जो काम होगा वो म्यूनसिपलिटी अभी ले सकते हैं उसका। नंबर टू क्या होता है कि फुटपाथ के ऊपर दुकान होने से फुटपाथ में नीचे में सामान रख के फुटपाथ को पूरा जो अंदर में जो ड्रेन है उसको पूरा ब्लॉक कर देता है। तो उसको भी काफ़ी क्लियर करने का हम लोग का वो प्रयास है। इन द मीनटाइम हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, जो स्ट्रीट वेंडिंग एक्ट के अधीनत हम लोग पूरा सर्वे कर रहे हैं, तो कहाँ में पार्किंग होगा, कहाँ में जो वेंडिंग स्ट्रीट वेंडर्स को हम लोग अलाउ करेंगे, कहाँ में नहीं करेंगे, वो पूरा एक लेआउट बनाएंगे और वहीं पे हम लोग उन लोग को फिक्स रहने के लिए हम लोग मजबूत करेंगे, ताकि क्या होगा कि जो बढ़ रहा है वो उसको रुका जाए और एक सिस्टमेटिक वे में टाउन को हम लोग चला सके। सर एक चीज़ देखा गया कि कई ऐसे जो ड्रेनेज जो बनाए गए, कई ऐसे ड्रेनेज निर्माण में जो कार्य में जिस तरह का व्यवस्था होना चाहिए, जिस तरह का निर्माण कार्य होना चाहिए, काफ़ी उसमें गड़बड़ी देखी गई, और आपका स्ट्रिक्टली जो एक्शन देखा गया, आपने सडन जो विजिट किया, कई इस तरह के घटनाएं नज़र में आई और सोकस नोटिस भी जारी किया गया था, तो जो उसके बाद क्या हुआ मैं थोड़ा जान लेना चाहूँगा। हाँ, ये देखिए, उनको स्ट्रिक्ट वार्निंग दिया गया है और उसको रेक्टिफाई करने के लिए दिया जाएगा, और दोबारा ऐसा ना हो, ये दोबारा अगर इफ ही रिपीट्स देन स्ट्रिक्ट एक्शन विल बी टेकन। क्या कहेंगे जो तिनसुकिया वासी है विशेष तौर पर, जब तक प्रशासन जरूर अभियान चलाता है लेकिन अगर जागरूक जनता ना हो तो शायद समस्या ही रह जाएगी, पूरी तरह समाधान नहीं हो पाएगी, तो जनता है उनसे क्या आह्वान करेंगे? मैं सबसे आवेदन है तिनसुकिया को क्लीन रखे, हम लोग को जो म्यूनसिपैलिटी है उनको क्लीन रखने के लिए हम लोग को सहयोग करे, और धीरे धीरे बहुत इम्प्रूव हो रहा है और आगे भी इम्प्रूव हो जाएगा, हमें विश्वास है, हम लोग का ऊपर भी है और जनसाधारण के ऊपर भी है, दे विल डेफिनेटली कोऑपरेट विथ अस एंड थिंग्स विल बी इन ए मास डिसिप्लिन एंड बेटर एंड क्लीन वे। आगे भी सडन विजिट आपका देखने को मिलेगा, जो इस तरह का नीति नियम पालन नहीं करके जो काम कर रहे हैं, आगे भी उम्मीद कर सकते हैं कि आपका सडन विजिट रहेगा? हाँ हाँ, बीस बीस में तो जरूर रहेगा, लेकिन हाँ, सब कुछ एक्ट का मुताबिक होता है, ये काफ़ी सारे एक्ट होते हैं जिसके अधीन हम लोग को ये करना पड़ता है, तो सबको देखते हुए हम लोग को इस कार्रवाई को आगे बढ़ा के लेके जाना है। एक चीज़ सर अंत में जानना चाहूँगा, जो म्यूनसिपैलिटी है उसमें एक इंजीनियर की कमी है और काफ़ी दिनों से एक कमी के वजह से कुछ नेग्लिजेंसी हो रही है, या कुछ लोग एक्सक्यूज देते हैं कि हमारे पास समय नहीं है, काम सही से नहीं होता, तो आपको क्या लगता है कि जो इंजीनियर की जो कमी है इसको जल्द पूर्ति करनी चाहिए? हाँ, ये विचाराधीन है, वेरी सुन पूरा जो स्टाफ स्ट्रेंथ है उसको रिव्यू में है एंड देन द गवर्नमेंट विल डेफिनेटली टेक स्टेप इन दिस रिगार्ड। थैंक यू। और ऐसे अक्सर और लगातार देखा जाता है कि सडन विजिट करते हैं और जो सही से काम नहीं होता उन पर इनकी हमेशा नज़र देखी जाती है, और काफ़ी उम्मीद भी करते हैं जो तिनसुकिया के लोग हैं कि इस तरह का एक जो डिपार्टमेंट के लोगों से काफ़ी उम्मीद किया जाता है, और सर हमेशा कोशिश करते हैं कि इसे अगर काम हो रहा है, अगर कुछ अनियम हो रहा है तो उस पर नज़र रखें और कुछ व्यवस्था ज़रूर लें, और आगे भी कोशिश करेंगे कि इस तरह का जो अतिक्रमण हटाओ अभियान है, आगे भी हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा उसका दृश्य हम आप तक पहुँचाएँ। आप हमारे साथ बने रहिए, आप देखते रहिए बेगी में समाचार।